हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, खम्मा गढ़ी दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र राउत में। और आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पुराने व्लॉग जो बने हुए थे वो मैंने शेयर कर दिए आज तक, और आज से आपके पास नए व्लॉग आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, पीछे देखिए पार हमारी सिया और काली खड़ी हो रही है, इनको आजकल अभी गर्मी तो ही बांध रहे हैं, अभी काउ शेड में नहीं बांध रहे हैं, काउ शेड को बाद में बांधेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि आज हम जा रहे हैं हमारे दीदी के घर पे, अभी यहीं जो पास में रहते हैं, उनके जो नई गाय की जो डिलीवरी हुई थी तो उसको 1.5 महीना हो गया, और आज उनकी जो पहली जो जावणी चढ़ाएंगे मतलब जो पहली बार दही जमाते हैं तो उसकी जावणी चढ़ाएंगे। ठीक है, पहले भी आप लोग देख चुके हैं, चलिए चलते हैं। ठीक है, और बच्चे अभी निकले नहीं है, देखिए बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये हमारे कुछ घर इस प्रकार से बनाए हैं अभी हमने, तो वो मैं आपको एक दो दिन में टूर करवा दूंगा जब पूरा काम हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के हैं, हमारी गायें खड़ी हो रही है अभी यहाँ पर, और ये रास्ता बना गया हमारा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आ जाओ, बच्चे का इंतजार करते हैं। तो बच्चे आना स्टार्ट हो गए, देखिए आ जाओ रे जल्दी से, 3 आ गए, 2 अभी और बाकी है। हाँ चल आ जाओ। तो हमारा बाबू भी आ चुका नितिन, चलिए भाई अभी चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा चलिए, तो चलिए अभी हम चलते हैं। एक छोरो आसपास का व्यू थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से चल रहे। कितनी हरियाली हो गई इस बार है ना, जून में ही, मई में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, पूरी हरियाली, जैसे बारिश के दिनों में हरियाली रहती वैसे हरियाली है खेतों में, सब जगह चारा चारा हो गया हरारा। ये देखिए वो सामने दिख रहा है, ये वाला घर है दीदी का, सामने वाइट जो दिख रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी चलिए अभी हम आ चुके हैं घर पे। छोटा बापू, ये देखो टूटी फूटी रोटी खिलाते हैं। तो ये बीरी भी आ चुकी है ससुराल, पापा जाने, मैंने कहा खिला रही रोटी, उलझगी। चलिए अभी नवीन नारियल लेने गया, नारियल लेके आ जाओ, उसके बाद हम करेंगे पूजा। हमारी पोती है ये देखिए, दे बाबू इमें दे, फोर में दे, रोटी खाओ, ले बैठा रोटी खा, खा ले, रोटी खाने लगी थोड़ी थोड़ी सी। तो नवीन आ चुका है गाड़ी पर नारियल लेके, कड़ा भी जाएगा चला बाबू की दुकान पर। ठीक, लोग यहाँ पर लेके आ चुके हैं दही और हांडी, वो यहाँ पर करेंगे पूजा हम। तो चलिए पहले जगरे लेके, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा चूल्हे के पास, चूल्हा कहाँ है। तो यहाँ पर चूल्हा पड़ा है और ये रोज में से हम निकालेंगे जगरे, ये देखिए अंडों के बने हुए, ये देखिए भैया बहन, ये देखिए भैया बहन, चलो घना के यार क्या उड़ रहा, हवा उड़ रही है, तो देखो धुआं हो रहा है इससे, तो चलो इसे रहेंगे लेके चलते हैं हम इसको। ओ भाई यहाँ पर देखिए खाने के लिए आ गए लोग, पता नहीं कहाँ से आए हैं ये लोग, दही ठीक रहे लेके आइए, देखिए ये एक लड़की इसकी बेटी को लेके आई है, ये देखिए ये आ जाते, मतलब कहीं भी शादी ब्याह हो तो सबसे पहले आके बैठ जाते बाहर ऐसे। और यहाँ पर दोस्तों हम कुछ मजाक कर रहे थे, ये देखिए नितिन क्या कर रहा है यहाँ पर, और अभी हम सबसे पहले पूजा करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो देवता है जेलज महाराज, उसको हम स्नान करवा देंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग जो है अगरबत्ती, सबसे पहले मैं अगरबत्ती कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि नारियल जो था वो हमने अंदर ही भूल गए थे घर में ही। तो मैंने निकिता को भेजा था कि बेटा तू जा के अभी जो है नारियल लेके आ जा, वो नारियल लेने गई हुई है। और यहाँ पर मैं जो हजड़े थे हमारे जो कंडे जड़े हुए थे उनसे जो अगरबत्ती थी उसको जला दूंगा, और उसके बाद अगरबत्ती कर दूंगा सबसे पहले यहाँ पर। और ये देखिए, और अभी निकिता आ चुकी है ये लेके नारियल, नवीन ने बदार दिया था पहले, बदार यानी फोड़ दिया था नारियल को, तो वो अंदर रह गया था, तो उसके लिए फिर हमने देखी अगर पूजा कर ली है, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे जो अगरबत्ती है उसको, और उसके बाद हम क्या करेंगे जो दही है उसका भोग लगाएंगे यहाँ पर। तो नारियल देख रहा था, नारियल बहुत ऐसा आया गया था, थोड़ा सा
खराब था, मतलब खराब क्या सही बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो मैं नारियल से जो है जोत करने की कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है जो चटक थी, चटक बोलते हैं जो नारियल का फूटा हुआ जो होता है ऐसा उसे, तो ये सूखा नारियल इसमें डाल दूँगा। और देखिए भगवान जी एक बार आते ही ये सही बात है, तो यहाँ पर अभी जोत करते ही आ जाएंगे। और इसकी जो खास बात ये कि इसकी जो पूजा होती है वो नारियल से होती है, क्योंकि दही क्या कहते हैं अपने जो घी नहीं होता, मतलब घी से नहीं करते हैं, तो घी हम अब जमाना स्टार्ट करेंगे, दही जमाएंगे उसके बाद घी निकलेगा। तो यहाँ पर जोत आ चुकी है और अब देखिए जो दही है उसकी मैं भोग लगा रहा हूँ भगवान जी को, उसके बाद जो अग्नि जलाई थी हमने उसमें हम कर देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर प्रिया बैठी थी दही खाने के लिए, तो यहाँ पर अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, कृष्णा दोनों मजाक कर रहे थे। यहाँ पर मैं बता रहा था कि अब हम जो भी दही दूध घी वगैरह भेज सकते हैं, यानी ये पूजा होने के बाद ही हम सब काम स्टार्ट करते हैं भेजने का। तो आज के बाद जो भी दही जमाना स्टार्ट कर देंगे और दूध वगैरह भी हम भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूजा का ये है कि हम इस पूजा के बाद सब आठ खुल जाती है और हम लोग दूध दही सब कुछ भेज सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए नितिन यहाँ पर बर्तन धो रहा था ये देखिए, और यहाँ पर मैं पूजा कर रहा था तो कृष्णा उसका वीडियो बना रही थी ये देखिए। और अभी क्या करेंगे हम लोग, पूजा हो चुकी है और ये जो साणिया खड़ा था ये मिट्टी उड़ा रहा था यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं छपरे में, क्योंकि दही को वापस घर ले ले जा सकते हैं और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हम ये जो गायों का जो छपरा था हमारा बाड़ा था वहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो दही है उसको डाल के इन बर्तनों में हम एक दो बच्चों को सबको खिला देंगे। और हाँ, पहले जो पूजा होती थी वो मिट्टी का जो बर्तन होता था हांडी, उसमें दही जमा के ले जाते थे और उसको वहीं फोड़ के आते थे, यानी इसको कहते हैं हांडी चढ़ाना, हांडी चढ़ा के आते थे। पर आजकल स्टील के बर्तनों में करते हैं तो नहीं फोड़ते, मतलब वापस ले जाते हैं, पर पुरानी मान्यता ये थी। तो यहाँ पर सब लोग हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे बच्चे, और अभी हम सब लोग दही खा लेंगे यहाँ पर। और इस दही की ये विशेषता होती है कि इतना टेस्टी लगता है जो पूजा का होता है, और जो दही बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, बच्चे भी सब खा रहे हैं यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो दही पूजा का होता है उसमें। और यहाँ पर देखिए इनको भी हमने फ़ोन कर दिया था, छोटे बड़े भाई को, तो ये अन्नू तन्नू को लेके आ चुका है, और वंशी का भी आई है। देखिए ये भी दही खा लेंगे बच्चे हमारे। और अभी अनुष्का तनुष्का आ चुकी, मैं उसको यहाँ पर दही डाल रहा हूँ। तो कैसा लगा आज का दोस्तों व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कि